हेलो फ्रेंड्स, अनु की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, इसके लिए यहाँ पर मैंने इडली बनाने के लिए ली है 1 बाउल सूजी और यहाँ पर 1/2 बाउल दही। और इसी को स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर हम ऐड करेंगे बाउल में सूजी और इसी के साथ यहाँ ऐड करेंगे दही और इसे हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक। अब यहाँ पर हम अपने बैटर को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 30 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे, पैन में हमने तेल रखा है, यहाँ रखेंगे राई, इसी के साथ ही उड़द की दाल 1 टेबलस्पून, दाल को हम लाल होने तक फ्राई करेंगे और यहाँ डालेंगे कड़ी पत्ता। तो फ्रेंड्स, हमारा तड़का तैयार हो गया है, इसे अब हम इडली में मिलाएंगे। देखिए, इसे मिक्स कीजिए। यहाँ पर हमारा बैटर भी रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक है। तो 1/2 टेबल स्पून हम इसमें इनो ऐड करेंगे और इसे मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना। इसमें हल्का सा ऑयल लगाइए और ये बैटर डाल दीजिए। बैटर डालने के बाद इसे हम माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे माइक्रोवेव में हम 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी इडलियाँ बनकर रेडी हो गई है, इसे हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी इडलियाँ बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।